नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी के सेवा में हाजिर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक बहुत जरूरी सूचना, एक तरफ आपके लिए खुशखबरी भी, एक तरफ आपके लिए कहीं ना कहीं एक जो दिमाग में रखने के लिए, एक पेशेंस बनाए रखने के लिए जो चीजें होती हैं। तो एक चीज देखा जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके में काम कर रहा है और जो कार्यक्रम उसके चल रहे हैं उसके संदर्भ में अभी अभी एक नोटिस जारी की है, जो क्या है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं खुशखबरी आपको ये दे दूं कि भैया आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो ये, मैं सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले, विज्ञप्ति पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी सूचना जो आपके लिए खुशखबरी वाली बात होती है वो मैं बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो आपकी बहुत ही शीघ्र आ रही है, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं, आपकी फिर से यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है और फिर से आपकी यूपीएएसआई की वैकेंसी आ रही है। यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई क्लर्क वाली जो वैकेंसी थी, लेखा और गोपनीय वाली, वो फिर से आ रही है। तो ये तीन वैकेंसी आपकी फिर से आ रही है। उससे पहले यूपीपी पे पूरा काम हो चुका है, जो 26,000 प्लस पद चल रहे हैं, और जो आपकी अभी की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके बारे में क्या जानकारी है, तो भर्ती बोर्ड क्या कहता है उसके बारे में हम लोग यहां पे सीधा पढ़ लेते हैं। अगर आपको यहां पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे क्या करता हूं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं। यहां पे इसने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड स्तर पर वर्तमान में प्रचलित भर्तियों का विवरण एवं आधावधिक स्थिति अभ्यर्थियों के सूचनार्थ परिशिष्ट का के रूप में 1 अप्रैल, उसने बस इतना बोला है, 1 अप्रैल 2017 से जितनी वैकेंसी उसका कराया है उसका विवरण दिया हुआ है, और उसके बाद कि अभी बोर्ड द्वारा जो प्रचलित भर्तियां हैं उससे संबंधित परीक्षाओं का अग्रिम चरण की तिथियों के बारे में बताया गया है। तो एक बार देख लेते हैं किसकी किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन सी भर्ती इस समय आपकी प्रचलित है। तो बहु प्रचलित आपकी जो यूपीएसआई है, यूपीएसआई की 9534 पद थे, इसमें आपका ये परीक्षा इस तारीख को करवा लिया है 12 से 3 तारीख तक। अभी क्या बोल रहे हैं कि डीबी पीएसटी कराए जाने हैं तो कार्यवाही बोर्ड स्तर पर प्रचलित है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च तक, है ना, खुद मेरी मुलाकात हुई थी एआरओ साहब से भी और डीजी साहब से, मैं तभी बताया था 15 मार्च तक आपकी डीबी पीएसटी हर हालत में हो जानी है, एसआई की भी और एएसआई की भी, जिसकी 1329 पद था, उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक लेखा और उत्तर प्रदेश अधिष्ठान के पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के ये 32 पदों का जो था अलग से, ये सभी का पूरा जितना 1329 टोटल पद था, इसकी जो 4 और 5 को परीक्षा हुई थी, इसकी भी जो डीबी पीएसटी है ये 15 मार्च से पहले हो जाएगी। हालांकि बोर्ड ने अभी ये डेट नहीं दी है, उसने बताया है कि जो डेट होगी वो भी 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, आप उस पर वेबसाइट को चेक करते रहो, लेकिन जो डेट आएगी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसी के आसपास आएगी, ये दिमाग आप रखिएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि जो अभी भर्ती चल रही है रेडियो संवर्ग का, आपका रेडियो ऑपरेटर, है ना, जो सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक, जिसके बैचेस भी आपके यहां पे चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप इनके बैचेस परचेज करना चाह रहे हो तो नीचे नंबर चल रहा है, मैं उसके बारे में पहले बता दूं, 9450006007 पे कॉल कर लीजिए और यहां से पता कर लीजिए, मैं सारी जानकारी अभी वीडियो के बाद में अंतिम 30 सेकंड में दे दूंगा। तो 1 से 3 में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञप्त दिनांक 6 तारीख को ही जारी कर दी गई थी और इसमें फॉर्म बहुत तेजी से भरे जा रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे जो बीसीए वाले हैं और बीएससी आईटी वाले हैं वो बार बार पूछते हैं, सर आपकी फिर से बोर्ड में बात हुई, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि भैया बीएससी वाले और बीसीए वाले सभी लोग फॉर्म भरो। भर्ती बोर्ड क्या सोच रहा है कि जब इसके बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तब वहां पे करेगा, पहले ही रिट ना पड़ जाए, इस चक्कर में वो कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। जो मेरी बात हुई थी उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, ये बात समझिएगा, आप अपने साथ धोखा मत करिएगा। उसके बाद बात बोले कंप्यूटर प्रोग्रामर भर्ती और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। कंप्यूटर ऑपरेटर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी, जिसके बहुत ज्यादा इंतजार है आप सभी को, और कम नहीं, ये करीबन 893 पद है, ये सही से विजिबल नहीं हो रहा है, 893 ही है, ये 693 है, 693 पद है, है ना, 693 पद है, 893 नहीं है, या 800 देख लीजिएगा, 600 या 800 इसमें सही से विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये बात कंफर्म कर दीजिए, 693 ठीक है, 693 पद यहां पे है, और इस 693 पद के लिए कार्यदायी संस्था का चयन हो चुका है, मतलब कि जो आपकी परीक्षा कराएगी उस संस्था का
चयन हो चुका है और अब इसका जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा 10 मार्च के बाद हो सकता है 15 मार्च तक इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। तो इसका भी भैया बैच चल रहा है, दो बैच चल रहे हैं, एक हमारा कॉम्बो चल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर एक साथ ही, एक हमारा रेडियो ऑपरेटर इंडिविजुअल, हम कंप्यूटर ऑपरेटर इंडिविजुअल का भी अलग से बैच निकाल देंगे। तीनों में से आपको जो परचेज करना है वो परचेज कर लीजिएगा, तैयारी बहुत दमदार करनी है। आगे हम लोग निकले तो आरक्षी नागरिक पुलिस फायरमैन की सीधी भर्ती जो 26,382 पद की बात हो रही है, इसके टेंडर की कार्यवाही प्रचलित है, इसके बारे में बोर्ड बार बार नोटिस दे रहा है। उसके बाद देखा जाए इसका भी विज्ञप्ति तुरंत ही 15 मार्च तक आएगा, 10 से 15 मार्च के बीच में। लिपिक लेखा एवं गोपनीय इसकी मैं बात कर रहा था, फिर से एसआई एएसआई इसका फिर से पोस्ट आ रहा है और इस बार 243 पद हैं, उधर 1329 पद थे अब 243 पद हैं। ये थोड़े बहुत बढ़ भी सकते हैं लेकिन अभी 243 मान के चलिए। और ये भी आपका तुरंत ही मार्च लिए लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फिर से आने वाली विज्ञप्ति है। और इसी के साथ ही आपकी एसआई की आ रही है फिर से 629 पद, ये भी 829, तो ये अगर 829 है तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला फिगर भी 893 ही होगा, ठीक है ना। तो 1000 पद दोनों के फिर से आ रहे हैं और यह भी आपकी कार्यवाही क्या है प्रचलित है, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। तो देर नहीं करना है और भर्ती बोर्ड अपने समय से चल रहा है, अनुशासन से चल रहा है, अपनी तैयारी बनाए रखिए। जो उनके नंबर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एसआई एएसआई में नंबर कम रह गए हैं, तो भैया अब ना नंबर कम रहे, फिर से आप तैयारी कर लीजिए। टीम परीक्षा प्लस तन मन धन से आपके साथ लगी हुई है, कर लीजिए। आगे पेज पे ये है कि उन्होंने 2017 से अभी तक कितनी भर्तियां कर ली हैं, तो ये आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, अभी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम के लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में है, इस पे समय व्यर्थ करने की जाया करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी सूचना है मैं आपको बता दूं जो आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हो, एक तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच है भैया, ये आप ले सकते हो, इंडिविजुअल बैच है, अभी ये 1200 का बैच होगा लेकिन इसे ऑफ के साथ 50% 599 मिलेगा। एक आपका रेडियो ऑपरेटर का बैच होगा, ये भी इसकी भी फीस आपकी 1200 रखी गई है, 50% ऑफ के साथ 599 मिलेगा। और एक तीसरा जो आपका है, इन दोनों का कॉम्बो बनाया जा रहा है ना, इनका कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस रेडियो ऑपरेटर का कॉम्बो बैच है, अगर कोई लेना चाहते हो तो ये आपको कितने में मिल रहा है, ये 999 मिल रहा है, इसकी फीस 1599 है ना, ये आपको 999 मिल रहा है, तो इसमें भी काफी छूट मिल रही है, ये ध्यान दीजिएगा। साथ में ही आपके इसके अतिरिक्त यूपी एसआई एएसआई का फिर से कॉम्बो बैच अभी लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइस आपको बता दी जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी अभी यूपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है जिसकी फीस 999 है लेकिन ऑफर प्राइस में 50% के साथ 499 इसका भी है। तो इतने बैच आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए चलवाए जा रहे हैं, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, चाहे कंप्यूटर रेडियो ऑपरेटर का कॉम्बो बैच हो, चाहे यूपीएसआई एएसआई का कॉम्बो बैच हो, और ये भी फीस आपकी न्यूनतम ही रहेगी, इसी के समकक्ष रहेगी, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। टीम परीक्षा पर हमेशा न्यूनतम फीस में उच्चतम गुणवत्ता देने का जो संकल्प है वो हमेशा बना रहता है। और सारे बैचेज एक साथ लेने हैं तो एक संकल्प बैच चल रहा है जिसमें लेखपाल वगैरह भी इंक्लूडेड है, वो आप ले सकते हो। 2999 का बैच है जो आपको 50% ऑफ के साथ 1499 में दिया जा रहा है, एक ही फीस में आपको सारे के सारे बैचेज यहां पे कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी, जो पहले गलतियां हो गई है उसमें सुधार करोगे, इस बार चांस को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। मैं एक बार फिर से आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमसे अटूट प्रेम और विश्वास दिखाते हो तो वो उससे कहीं ज्यादा दुगना रिटर्न हम आपकी सफलता के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और आपको सफल करा के ही मानेंगे। अन्य कोई जानकारी होगी इसके बारे में पूरा कंप्लीट विश्लेषण हम लोग लाइव सेशन लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, यहां पे समय ज्यादा नहीं होता है। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड बैच से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप 9450006007 पे कॉल कर सकते हैं या 9129697080 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से सीधा, अगर ये कुछ नहीं करना चाहते तो प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप अपना मनचाहा बैच परचेज कर सकते हैं, या किसी को वेबसाइट के माध्यम से जानना है तो live.parikshaplus.org से भी आप जाके कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको दे दी गई है और फिर से एक बार जोश, जो अभी निराश हो गए थे आप लोग, एक बार फिर से आशा आपके लिए आई है। तो अभी कोई और वैकेंसी इधर लगी नहीं है, एक आपकी पुलिस भर्ती बोर्ड की है, एक आपकी लेखपाल की है, तो जो बच्चे जहां पे जैसे लगे हुए हो वैसे आप तैयारी करते चले चलो और सारे के सारे बैचेज आपके अवेलेबल हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।